मेडिकोस, आई अंकिता लुनावत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग मेडिको। आज की वीडियो में हम पीएसएम का एक टॉपिक देखेंगे, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। तो ये यूजुअली 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और लास्ट ईयर में ये आया था 20 मार्क्स के लिए एक्चुअली। सो वी कांट से एनीथिंग, वी कांट प्रिडिक्ट द पेपर ऑफ पीएसएम, इट इज रियली हार्ड, कुछ भी पूछते हैं लोग, कुछ भी। सो द लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, levels of prevention, there are usually 4 levels of prevention. ये मैंने actually 5 marks के हिसाब से तैयार किया था ये question. So it's okay that we do it for 5 marks. 20 marks के लिए we can extend it till 20 marks. Yeah. So these are the 4 levels of prevention: primordial, primary, secondary and tertiary prevention. So first is the primordial prevention. Primordial prevention is the prevention of emergence or development of risk factors in countries or population group in which they have not yet occurred. तो primary prevention में क्या करेंगे, हम जो risk factors है, जो risk factors है उसका emergence ही होने नहीं देंगे, उसका development ही होने नहीं देंगे। For example पकड़ लीजिए कि many adult health problem, मतलब adult health problem जिसका obesity हो जाए, hypertension हो जाए, तो इसका जो onset होता है ये childhood से ही होता है। तो फिर हम बचपन में ही क्या करेंगे, उनमें lifestyle changes form करने चालू करेंगे, उनका smoking ना करने देना, उनका eating patterns देखना, उनको physical exercise करने के लिए motivate करना। The main intervention in primordial is to individual and मास एजुकेशन। तो हम क्या करेंगे, जो रिस्क फैक्टर्स है उस डिजीज के उसे ही आने नहीं देंगे प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में। अब आ गया नेक्स्ट इज द सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज व्हिच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट अ डिजीज विल अकर। मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करेंगे, हम जो ऑनसेट होगा उस डिजीज का हम उसको वही रिमूव करेंगे, प्रायर वही से रिमूव करेंगे। अब इट सिग्निफाइज एज इंटरवेंशन इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज ऑफ डिजीज। द फॉलोइंग अप्रोचेस फॉर द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ द क्रोनिक डिजीज वेयर द रिस्क फैक्टर्स आर एस्टेब्लिश, पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी एंड हाई रिस्क स्ट्रैटेजी। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑनसेट डिजीज के ऑनसेट के पहले ही उसे रिमूव करना। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम 2 strategies, यूजुअली प्राइमरी प्रिवेंशन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो यहाँ पर पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी में क्या करेंगे, हम यहाँ पर होल पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे, या ना कि इंडिविजुअल को जो पर्टिकुलर रिस्क लेवल पर है। एंड द पॉपुलेशन अप्रोच इज डायरेक्टेड टूवर्ड सोशल इकोनॉमिक बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस। हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी में हम पूरे पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करेंगे। हाई रिस्क स्ट्रैटेजी में हम क्या करेंगे, प्रिवेंटिव केयर देंगे वो इंडिविजुअल को जो स्पेशल रिस्क पर है, और इसका क्या करेंगे, हम उसको डिटेक्ट करेंगे इंडिविजुअल को जो रिस्क पर है, और उनका प्रॉपर क्लिनिकल मेथड्स करके उनको ये निकालेंगे कि यार ये रिस्क पर है, और उनको हम प्रिवेंटिव केयर देंगे। प्रिवेंशन में क्या करेंगे, एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज। तो इसमें इंटरवेंशन क्या होगा, ये प्री पैथोजेनेसिस फेज में होगा डिजीज के। नेचुरल इश्यू ऑफ डिजीज में जाके देखिए वो वीडियो में, आपको पता चलेगा प्री पैथोजेनेसिस फेज क्या होता है। और इसमें क्या आएंगे, हम 2 मेथड से जाएंगे, पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी, हाई रिस्क स्ट्रैटेजी। पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी में क्या करेंगे, होल पॉपुलेशन को हम टारगेट करेंगे। एंड हाई रिस्क स्ट्रैटेजी में हम क्या करेंगे, प्रिवेंटिव कह देंगे स्पेशल ग्रुप को। नाउ कम्स द सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन एक्शन विच हॉल्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होगा, तो डिजीज तो आ चुका है वहाँ पर, बट हम क्या कहेंगे, वो डिजीज को आगे प्रोग्रेस नहीं होने देंगे, उसको आगे जाने नहीं देंगे, हम उसको वहाँ पर ही कट ऑफ कर लेंगे, और वो उससे क्या होगा, इंसिपिएंट स्टेज पर ही रोक देंगे, और उससे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकते हैं। अब स्पेसिफिक इंटरवेंशन में इसमें हम क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या कहेंगे, अर्ली डायग्नोसिस स्पेशली और एडिक्वेट ट्रीटमेंट। बट ये सेकेंडरी प्रिवेंशन का ड्रॉबैक ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है ना, वो डिजीज़ पहले आ चुकी है, वो पेशेंट को मेंटली उसे बहुत बेयर करना पड़ा, उसको फिजिकल पेन भी हो चुका है, और उसकी जो वो ग्रुप की प्रोडक्टिविटी वो भी लॉस हो चुकी है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन का ये ड्रॉबैक है। और ये जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और लेस इफेक्टिव होते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन से। नाउ कम्स द टर्शियरी प्रिवेंशन। तो टर्शरी प्रिवेंशन में क्या आएगा, ऑल मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज, मिनिमाइज द सफरिंग कॉज बाय द एक्सपेंसिव एग्जिस्टिंग डिपार्चर्स फ्रॉम गुड हेल्थ, टू प्रमोट द पेशेंट्स एडजस्टमेंट टू इरिमिसिबल
कंडीशन। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे वहाँ पर इम्पेयरमेंट्स कम करने की कोशिश करेंगे, डिसेबिलिटीज़ कम करने की कोशिश करेंगे, जो पेशेंट का पेन है उसे हम कम करने की कोशिश करेंगे और उसे हम गुड हेल्थ देने की ट्राई करेंगे। टर्शियरी प्रिवेंट्स एक्सेप्ट एक्सटेंड्स द कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन इन टू द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन। यूजली टर्शियरी प्रिवेंशन से हम जाएंगे आगे रिहेबिलिटेशन में। सो दिस वर द फोर लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमोर्डियल में हम क्या करेंगे, वो रिस्क फैक्टर्स ही नहीं आने देंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करेंगे कि जो हम और डिजीज के ऑनसेट के पहले करेंगे उसमें हम पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी, हाई रिस्क स्ट्रैटेजी देखेंगे। फिर हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस, एडिक्वेट ट्रीटमेंट, और टर्शियरी प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, यूजुअली इम्पेयरमेंट्स कम करने और डिसेबिलिटीज कम करने की कोशिश करेंगे। सो दिस वॉज इट, होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल। इफ सो देन प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द लर्निंग मेडिको। थैंक यू।